हेलो स्टूडेंट आई एम ब्रिजबनी पाथे फ्रॉम प्रेक्सिस विद्यापीठ रतौली बस्ती दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास फोर्थ टू सिक्स एंड सब्जेक्ट इज आईटी स्टूडेंट आज हम लोग का डिस्कशन होगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है लास्ट वीडियोस में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं स्प्रेड सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था ये प्रेजेंटेशन uh, सॉफ्टवेयर इसको हम पावर पॉइंट भी बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो एक्चुअली प्रेजेंटेशन uh, जो सॉफ्टवेयर होता है ये वर्क किया जाता है किसी भी टॉपिक पर अगर हमें सामने वाले किसी दूसरे पर्सन को किसी टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करना है तो इस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं इसका मैं व्यू दिखाऊंगा इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं उसको भी दिखाऊंगा अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन देखते हैं ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प्स क्रिएट अ स्लाइड शो दैट एड्रेसेस अ टॉपिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हेल्प करता है स्लाइड शो so दिखाने में किसी भी टॉपिक पर मतलब किसी भी टॉपिक के हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना प्रजेंटेशन प्रोग्राम कैन बी यूज्ड इन बिजनेस एंड स्कूल फॉर डिस्कसिंग अ टॉपिक और फॉर टीचिंग अब यहाँ देखेंगे प्रजेंटेशन प्रोग्राम का यूज़ हम लोग जो करते हैं वो किसी भी बिजनेस पर्पज़ से हो सकता है किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने के लिए या फिर स्कूल में किसी भी टॉपिक पर पढ़ाने के लिए टीचिंग करने के लिए many टाइम्स the presenter यूज अ प्रोजेक्टर टू प्रोजेक्ट the स्लाइड अप ऑन the स्क्रीन that everyone can कैन सी कई बार होता है जो प्रजेंटेशन देने वाला होता है प्रजेंटर होता है वो प्रोजेक्टर का यूज़ किया करता है प्रोजेक्टर आप लोग जानते हैं प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर कोई भी जिसपे हम लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे इमेज को हमारे स्क्रीन को एक बड़े स्क्रीन में कन्वर्ट कर देता है तो क्या होता है कई बार जो प्रेजेंटर होते हैं वो प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं और उसमें अपने वो स्लाइड्स को दिखाते हैं जिसको सामने वाले बैठे जो भी हैं जितने भी लोग रहेंगे ऑडियंस सबको दिखाई देगा बिलो इज एग्ज़ाम्पल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नीचे कुछ एग्ज़ाम्पल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के दिए गए हैं जिनमें माइक्रोसॉफ़्ट पावर पॉइंट भी एक एग्ज़ाम्पल है कॉमनली यूज प्रोग्राम दैट क्रिएट प्रजेंटेश माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के तौर पर जनरली करते हैं काफ़ी इजी सॉफ्टवेयर है इजी टू यूज़ वंस क्रिएटेड जब प्रेजेंटेशन कोई बना लिया जाता है अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल एंड प्रजेंट द प्रजेंटेशन जब प्रेजेंटेशन को बना लिया जाता है तो जो प्रेजेंटेशन बनाने वाला व्यक्ति होता है वो लोगों के सामने ऑडियंस के सामने स्टूडेंट के सामने वो अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करता है अभी मैं इसमें आप लोग को व्यू भी दिखाऊँगा किस तरह का व्यू होता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का तो प्रजेंटेशन आर सोन ऑन स्लाइड एट अ टाइम एक समय में एक स्लाइड दिखाया जाता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में अब स्लाइड क्या होता है स्लाइड इज अ पेज इलेक्ट्रॉनिक पेज जैसे आपके कॉपी में पेजेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक कॉपी में मल्टीपल पेजेस होते हैं ऐसे ही प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में है मल्टीपल पेजेस हम बना सकते हैं और हर एक पेज पर एक पॉइंट्स के बारे में एक टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब किया जा सकता है टू एक्सप्लेन द स्लाइड टॉपिक एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट अंटिल ऑल आर सोन तो इस तरह से हम मल्टीपल प्रेजेंटेशन पेज इलेक्ट्रॉनिक पेज बना सकते हैं और हर एक पेज को हम हर एक पेज पर डिस्क्राइब करने के बाद नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं जब जब तक आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट ना हो जाए फॉर एग्जांपल इन अ बिजनेस प्रेजेंटेशन ए को वर्कर में गो थ्रू स्लाइड दैट इलिस्ट्रेट हाउ द कंपनी हाउ वेल द कंपनी इज डूइंग इट्स प्रॉफिट सेल्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो इस किसी भी बिजनेस में मान लीजिए कोई है कोवर्कर है और वो बताना चाह रहे हैं कि कंपनी कैसे हमारी गो, ग्रो करेगी तो उसके ऊपर वो टॉपिक बना सकते हैं अब मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि व्यू कैसे होते हैं व्यू कैसा होता प्रजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उसमें कौन कौन से ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं इसको मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को स्टूडेंट ये देखिए पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बोल सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है या फिर हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसके बारे में मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा था तो इसका व्यू इस तरह से होता है जैसा स्क्रीन पर आपके दिख रहा है ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का व्यू होता है काफ़ी सारी चीज़ें वर्ड और एक्सेल से मिलती हैं जैसे मीनू बार टाइटल बार फॉर्मेटिंग बार हेल्प बार स्टैंडर्ड टूल बार स्टेटस बार ये सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल से मिलती हैं। लेकिन काफ़ी है लेकिन इसमें काफी थोड़ी चीज़ें अलग हैं जैसे आउटलाइन स्लाइड टैप व्यू बटन ऑफिस असिस्टेंस टास्क पैन ये सभी पावर पॉइंट में मिलते हैं तो ये मैं स्क्रीन बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ स्टैंडर्ड टूल बार देखिए लेफ्ट साइड में है आउटलाइन स्लाइड टैब पैन ऊपर में है मीनू बार मीनू में डिफरेंट टाइप के मीनूज होते हैं जैसे फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल शो इसके बाद होता है टाइटल बार टाइटल बार में उस फाइल का नेम होता है उस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का जो हम फाइल बना रहे हैं उस फाइल का नेम होता है नेक्स्ट होता है फॉर्मेटिंग टूल बार अपर साइड में देखेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार इसमें हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं जैसा कि आप लोग को पता है कि हम कोई भी टेक्स्ट अगर लिखते हैं तो उसमें हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं उसका कलर चेंज कर सकते हैं सेप साइज चेंज कर सकते हैं हेल्प हेल्प जो ऑप्शन है इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट uh, या फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प ले सकते हैं फिर आता है टास्क पेन राइट साइड में जो हम वर्क करेंगे और ये जो मेन आपको दिख रहा है क्लिक टू एड टाइटल क्लिक टू ऐड सब ये आपका वर्क एरिया है यहाँ पर आप अपने टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं कुछ इमेज ऐड कर सकते हैं वॉइस वॉइस भी ऐड, ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं ओके तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं उसके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टैंडर्ड टूल बार मीनू बार टाइटल बार इन सब चीज़ स्टूडेंट इसमें देखेंगे हम लोग सबसे ऊपर होता है क्विक एक्सेस टूल बार क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है जैसे क्विक मतलब होता है जल्दी किसी भी ऑप्शन को आप जल्दी से यूज कर सकते हैं जो रिसेंटली यूज किया गया वो क्विक एक्सेस टूल बार में होता है व्हाट इज़ क्विक एक्सेस टूल बार सो क्विक एक्सेस टूल बार कंटेंस बटन फॉर कॉमनली यूज कमांड क्विक एक्सेस टूल बार में ऐसे बटन होते हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं लाइक ओपन फाइल सेव प्रिंट व्यू ये सभी ऑप्शंस होते हैं नेक्स्ट है टाइटल बार जैसा मैंने आपको दिखाया था टाइटल बार में क्या होता है उस फाइल का नेम होता है टाइटल बार इंडिकेट्स द सॉफ्टवेयर द नेम ऑफ प्रेजेंटेशन दैट इज़ ओपन मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन टाइटल बार इंडिकेट करता है सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है ओपन ऑफिस का सॉफ्टवेयर है या फिर माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं एंड इसी टाइटल uh, बार में ही ओपन मिनिमाइज मैक्सिमाइज और मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का ऑप्शन होता है नेक्स्ट देखते हैं टैब व्हाट इज टैब तो टैब कमांड दैट आर पीटेड इनटू रिलेटेड टास्क कार्ड ग्रुप टैब में होता है बहुत सारे कमांड्स होते हैं जिनको हम uh, एक साथ यूज कर सकते हैं तो अगर uh, पूछा जाता है व्हाटिज टैब आप लिखेंगे टैब कंटेंस कमांड दैट आर पीडेड इन टू रिलेटेड टास्क कार्ल्ड ग्रुप ओके इसके बाद यहां पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है स्लाइड पैन होता है स्लाइड पैन में क्या देखिए होता है स्लाइड पैन कंटेंस द करेंट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन स्लाइड पैन में जिस स्लाइड uh, के ऊपर आप वर्क करते हैं वो स्लाइड दिखता है यू कैन यूज़ द वर्टिकल स्क्रॉल बार टू व्यू द अदर स्लाइड इन द प्रजेंटेशन स्क्रॉल बार वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ करके आप जितने भी स्लाइड्स रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेज जितने भी रहते हैं वो सभी देख सकते हैं नेक्स्ट है नोट पैन नोट पेन क्या होता है नोट पैन इज लोकेटेड बिलो द स्लाइड पेन एंड इट इज़ यूज टू टाइप प्रिफ्रेंस नोट द नोट कैन बी प्रिंटेड रिफर्ड वंस वन मेकिंग द प्रजेंटेशन नोट पेन क्या होता है तो इट इज़ लोकेट बिलो द स्लाइड पेन ये स्लाइड पेन के नीचे होता है और रेफरेंस नोट्स इसमें हम लिख सकते हैं नोट्स कैन भी प्रिंटेडरेंस वन मेकिंग द प्रजेंटेशन तो नोट्स को हम अगर प्रिंट आउट लेना चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं और जो रेफरेंस होता है वो हम प्रजेंटेशन के टाइम में दिखा सकते हैं इसमें स्लाइड पेन हो गया नोट पेन नोट्स पेन हो गया अब व्हाट इज स्लाइड इसको भी लिखना होगा आपको डिफिनेशन तो स्लाइड इज अ इलेक्ट्रॉनिक पेज ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर स्लाइड इज ए इलेक्ट्रॉनिक पेज ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर स्टूडेंट हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं बिलो इज़ अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम अवेलेबल टू टूडे तो प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे हैं उनका नाम दिया हुआ है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे गूगल स्लाइड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन ऑफिस इम्प्रेस आई वर्क की नोट ऑन द एप्पल ये सभी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग कंपनीज के इनका हम यूज़ कर सकते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉमन फीचर ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कॉमन फीचर होते हैं इनका हम लोग यूज़ करते हैं क्या होता है इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे स्लाइड्स दैट कंटेन एनी मिक्सचर ऑफ़ टेक्स्ट इमेज वीडियो एनिमेशन लिंक एंड साउंड स्लाइड जो होता है जिसके बारे में हम बताया कि इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है स्लाइड भी वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं स्लाइड इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज दैट कंटेन्स एनी मिक्सचर ऑफ टेक्स्ट इमेज वीडियो एनिमेशन लिंक एंड साउंड स्लाइड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे टेक्स्ट मीन्स कुछ लिखा हुआ इमेज वीडियो एनिमेशन लिंक एंड साउंड एनिमेशन इफेक्ट दैट अलाउड अ वेरियस एलिमेंट ऑन ईचलाइड टू अपीयर आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम और वेन अ प्रजेंटर प्रेस अ बटन एनिमेशन इफेक्ट हमें डिफरेंट टाइप के डिफरेंट uh, स्लाइड्स में हमें डिफरेंट uh, एलिमेंट के तौर पर दिखाई देता है जब तक कि प्रजेंटर uh, जो प्रजेंट देने वाला है वो किसी बटन को प्रेस ना करें स्लाइड मास्टर इसमें देखिए क्या होता है दिस अलाउ स्टाइल फॉन्ट फॉन्ट साइज बैकग्राउंड ईटी टू बी सेट वंस एंड देन यूज थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन स्लाइड मास्टर में हम क्या करते हैं टेक्स्ट के फॉन्ट टेक्स्ट uh, की साइज फॉन्ट की साइज उसके बैकग्राउंड कलर्स इन सब को एक बार सेट कर देते हैं और वही हम प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं ट्रांजिशन क्या होता है दिस इज़ हाउ द प्रजेंटेशन सॉफ्टवेयर मूव्स ट्रांजिशन में हमारा जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या फिर जो हमारा स्लाइड है वह कैसे मूव करता है यही दिखाता है द डिस्प्ले ऑन वन स्लाइड एंड अदर हर एक स्लाइड पर हम हर एक इलेक्ट्रॉनिक पेज पर हम डिफरेंट टाइप का ट्रांजेसन ऐड कर सकते हैं ट्रांजिशन यूजली इंक्लूड डिसॉल्विंग फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट और द करेंट स्लाइड बींग मूव इन सम वे टू शो द नेक्स्ट स्लाइड एज द इट वॉज अंडरनीथ तो ट्रांजिशन यूजअली इंक्लूड करता है ये कि स्लाइड किस तरीके का मूव करेगा किस तरीके से उसमें टेक्स्ट मूव करेंगे इमेज मूव करेगा स्लाइड नोट देखिए क्या होता है वैन दिज आर यूज टू प्रजेंटर विल सी द करेंट स्लाइड एंड एनी नोट्स एसोसिएटेड विथ इट ऑन हिज हर डिस्प्ले एंड द ऑडियंस विल सी जस्ट द स्लाइड ऑन अनदर स्क्रीन और प्रोजेक्टर स्लाइड नोट्स में हम उस स्लाइड से रिलेटेड कुछ नोट्स कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं जिसको हम उस ऑडियंस uh, को डिस्क्राइब करते हैं मीन्स हमने टॉपिक स्क्रीन पर दिखाया और उस टॉपिक को डिस्क्राइब किया ऑडियंस को उसके बारे में बताया तो स्टूडेंट ये था हमारा उसका प्रजेंटेशन सॉफ्टवेयर इसमें मैं आप लोग को क्वेश्चन दूंगा और वो सॉल्व करना रहेगा थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू